हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हमारी इस यूट्यूब चैनल पे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी यूट्यूब चैनल, तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन ऑन कर सकते हो। ठीक है, आज की जो वीडियो है हमारी, वो बहुत ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कि आप कैसे जो आपका टाइम है, ठीक है ना, वो कैसे कंज्यूम हो और आप सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस याद कर सकते हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मैक्सिमम मार्क्स जो एग्ज़ाम में है वो हासिल करूं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आज का डिस्कस हम यही करने वाले हैं और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी इस टाइम देखा होगा कि जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, प्ले हो रहा है अभी इस टाइम, तो ये एक YouTube चैनल है, बहुत अच्छी YouTube चैनल है। ठीक है ना, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन्होंने सीरियल एक बनाया है, ठीक है ना, और वो सीरियल है क्या, उसका दूसरा पार्ट भी इन्होंने बनाया है। पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज किया गया है, उन्होंने रियलाइज़ किया है, तो लेकिन दूसरा जो है वो ये है। तो अगर आप इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, तो इसको ज़रूर चेकआउट करके और फिर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करने, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये भी ग्रो हो जाए। ठीक है, चलो जी, अपना जो वीडियो है गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ में हैं, इलेवंथ में हैं और ट्वेल्थ में हैं, ठीक है ना, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक बता दिया था आपको कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, जब भी कोई सिलेबस पढ़ोगे, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे आप मेडिकल में हो या फिर कॉमर्स में हो, या आप मान लो कि आप एक सिंपल सा आर्ट्स का स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आप करोगे क्या, आपको कैसे हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया था, वो मैं हर किसी वीडियो में बताता हूँ, आपको करना क्या होगा, प्रीवियस पेपर्स आपको घर में होने चाहिए। ये बिल्कुल मतलब कि एक जेन्युइन बात है, जब आपके पास प्रीवियस पेपर्स होते हैं तो वही आपका एक बैकबोन रहता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स क्या होता है, उसी में से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, दो तीन क्वेश्चंस, तो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो आपको यकीन होगा कि हाँ भाई सच कह रहा था कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जितने भी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट है, ये कंबाइन करेंगे हम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको। आप करते क्या हो, आप लॉन्ग आंसर ज़्यादा क्वेश्चंस याद करते हो और फिर उसमें 12 मार्क्स टू 30 मार्क्स आते हैं, लेकिन 60 टू 70 मार्क्स आते हैं आपको ऑनली एंड ऑनली शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। और फोकस किस पे करना है, फोकस करना है आपको ओनली वन, दैट इज़ योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, यानी कि जो डिस्कशन मतलब कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका माना छोटा सा है, उसकी डिफिनीशन आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट आंसर लिखोगे ना, शॉर्ट आंसर आप याद करोगे, अगर उसमें से कोई लॉन्ग आंसर भी आ गया है, ठीक है ना, जो आपने याद किया है, तो आप पहले डिफिनीशन लिखो, उसके बाद आप हेडिंग में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आप बात याद रख लेना, जब इवाल्वेटर होता है, जो आपका मार्क, जो आपके मार्किंग पेपर्स की करता है, वो करता क्या है गाइस, ये बात आपको याद रखना चाहिए, राइट। बात क्या है, जब वो आपको क्वेश्चन पेपर देखता है, वो हेडिंग देखता है, अगर आपकी हेडिंग अच्छी होती है तो उसके लिए आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। वो फिर बॉडी ज़्यादा चेक नहीं करता, हेडिंग चेक करता है कि इसने हेडिंग जो है वो कैसी लिखी है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट क्या है आपका हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने के लिए, हैंड राइटिंग इज़ अ बेस्ट की फॉर अचीविंग गुड मार्क्स, ठीक है ना। अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होगी, आपका लिखने का अंदाज़ अच्छा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल ए, यहाँ पर ए पर्सन है और बी पर्सन है, इसने भी वही क्वेश्चन याद किया, इसने भी वही क्वेश्चन याद किया, ठीक है ना, इसको भी वही आंसर पता है, इसको भी वही आंसर पता है, इसने भी वैसे ही पेपर किया है, इसने भी वैसे ही पेपर किया। मसला क्या है, ए का हैंड, ए जो है उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ़ है, हैंड राइटिंग है, ठीक है ना, ए की जो हैंड राइटिंग है वो जो है वो नीट एंड क्लीन है, बी की हैंड राइटिंग उतनी क्लीन नहीं है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, जो क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है ना, अब ये आपको चौथा पॉइंट है इस टाइम, जो क्वेश्चन आपको आता है, चाहे आपको लॉन्ग आंसर में आता हो, चाहे शॉर्ट आंसर में, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है ना, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस लिखने होंगे जो आपको आते हैं, ठीक है ना। चाहे आप मिसाल के तौर पर वेरी शॉर्ट आंसर लिखो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 9 क्यों ना हो, पहले आप 9 लिख लो,
ठीक है ना, क्यों 9 लिखोगे, उसके लिए जो एवोल्वेटर होता है, जो एग्ज़ाम मार्किंग करता है आपकी, ठीक है ना, वो सबसे पहले पेपर को पहले से अच्छे से देखता है बच्चे ने कैसे लिखा है, उसके बाद वो मार्क्स जो है वो अच्छे से देता है, ठीक है ना। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए आप अपने पेपर्स को और अपने मॉडल पेपर्स को और अपने जो क्वेश्चंस पड़े हैं वो आपको रिवीजन करना है। एक बार याद करने से वो हम चीज़ भूल जाते हैं, बार बार याद करने से वो चीज़ हम नहीं भूलते, ठीक है ना। जितनी कोशिश करोगे मतलब कि वो याद करने की, रिवाइज करने की, वो क्वेश्चन इतना स्ट्रांग रहेगा, ठीक है ना। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी भाई की तरफ से कि आप कैसे जो है वो अपने आप को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम कैसे हैंडल करोगे वो पेपर, उसके लिए छोटा सा वीडियो था, ठीक है ना। ये वीडियो कैसे लगी उसको ज़रूर कॉमेंट, शेयर, लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया है या नहीं, ठीक है ना। छोटी सी वीडियो थी। दूसरा वीडियो किस पे आएगा? दूसरा वीडियो आ जाएगा हैंड राइटिंग पे। अब हैंड राइटिंग जो है वो कैसे लिखोगे, उस पे फोकस कैसे करोगे, ठीक है ना। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।